फ्रेंड्स, मेरा नाम है शारदा। मोर टेस्टी फूड पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बिल्कुल यूनिक नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आने वाला है। और इस नाश्ते को बनाकर आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकती हैं और अपने टिफ़िन में भी ले जा सकती हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ ये मैंने एक कप छनी हुई सूजी ली है, इसे बोल में डाल लेंगे। अब इसमें हम आधा कप दही डालेंगे। दही यहाँ हमारे पास अगर खट्टी दही है तो वो भी ले सकते हैं, फ्रेश दही भी ले सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे। दही, सूजी, नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा कप पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये हमें लम्स फ्री बैटर बना कर लेना है। आपने देखा होगा, जब भी हम बेसन का बैटर बनाते हैं या मैदा का बैटर बनाते हैं तो उसमें हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी गांठें पड़ जाती हैं। लेकिन सूजी के बैटर में ऐसा नहीं होता, ये थोड़ी दरदरी सी होती है तो ये इसमें गांठें नहीं पड़ती, ये इजीली इसका बैटर बन जाता है। अब इसे एक साइड रखेंगे और इसमें एक छोटा सा तड़का लगा लेंगे। एक चमचे में आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल गर्म कर लिया है, उसमें चौथाई चम्मच राई डाल दी है, चटकने देंगे। राई चटक गई है। अब तड़के को हम सूजी वाले बैटर में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये छोटा सा तड़का हमारे नाश्ते में बहुत बढ़िया टेस्ट ले आएगा। अब सूजी वाले बैटर को ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे हमारी सूजी अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल गर्म कर लिया है। अब हम अपनी स्टफिंग बनाएंगे। ये 2 पिंच हींग है, इसे डालेंगे। आधा चम्मच साबुत जीरा लिया है, इसे भी डालेंगे, भुनने देंगे। ये एक प्याज ली है बारीक कटी हुई, इसे भी डालेंगे। आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके लिया है और 2 हरी मिर्च बारीक काट कर ली हैं। अगर बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। अब हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। प्याज, हरी मिर्च और अदरक का थोड़ा कलर चेंज हो गया है। अब इसमें 2 चम्मच बारीक कटा करी पत्ता लिया है, इसे भी डालेंगे और भूनेंगे। मसाले डालते हैं। चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिन्हें उबालकर और उनका छिलका अलग करके अच्छे से मैश करके तब लिया है। अब हम ये आलू मसाले में मिक्स करेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे। मसाले को हम आलू के साथ चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे और जो हमारा आलू कोई बड़ा बड़ा सा है उसे स्पैचुला से दबा दबा कर उसे मैश करते रहेंगे। और ये आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है, इसे डालकर अब 2-3 मिनट अच्छे से आलू की स्टफिंग को भूनेंगे, जिससे बढ़िया सी हमारी तीखी खट्टी सी स्टफिंग बन जाए। स्टफिंग तैयार है। 10 मिनट सूजी वाले बैटर को भी रखे हुए हो गया है। देखिए, इसने पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, बैटर थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है। इसमें हम 1/4 कप पानी और डाल देंगे और मिक्स करेंगे। अब बैटर की कंसिस्टेंसी जैसी हमें चाहिए वैसी हो गई है। अब जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई है वो भी पूरी तरह से ठंडी हो गई है। थोड़ी सी स्टफिंग हाथ में लेंगे और छोटे छोटे से इसके गोले बना लेंगे। ये हमारा तीखा खट्टा सा स्टफिंग वाला बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनेगा और ये घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। तो इसे आप एक बार ज़रूर बनाएं। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, 15 से 20 मिनट में ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। आज हम ये नाश्ता स्टील की कटोरी में बनाने वाले हैं, तो कटोरी को ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे, जिससे हमारा ये नाश्ता अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। हमारी नाश्ते की पूरी तैयारी हो चुकी है, स्टफिंग भी रेडी है और कटोरी भी। अब सूजी के बैटर में हम इनो मिक्स करेंगे। 1 कप सूजी है तो उसमें 1 छोटा चम्मच इनो मिक्स करेंगे। इनो डालने के बाद सूजी के बैटर को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ये ध्यान रखें कि जब हमारी पूरी तैयारी हो जाए हमें इनो सबसे लास्ट में डालना है, क्योंकि इनो डालने के बाद तुरंत राइज होना शुरू हो जाता है। कटोरी में बीच में ये स्टफिंग रखेंगे, इसे ठीक से बीच में रख दें और चारों तरफ ये सूजी वाला बैटर डाल देंगे। सूजी वाले बैटर को हमें पूरी कटोरी नहीं भरनी, ऊपर से ये हमें कटोरी खाली रखनी है, क्योंकि हमारा बैटर जब स्टीम होगा तो फूलेगा। इसी तरह मैं बीच में स्टफिंग रखती जाऊंगी और चारों तरफ ये सूजी वाला बैटर डालती जाऊंगी। देखिए, इस तरह से यहाँ मैंने चारों कटोरी में
स्टफिंग और बैटर डालकर रख लिया आज है। नाश्ता हम स्टीम करके बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में 1.5 गिलास पानी डाल दिया है और ये जाली स्टैंड रख दिया है। पानी में अच्छी स्टीम आ रही है। अब कटोरी हम जाली स्टैंड के ऊपर रख देंगे। जाली स्टैंड की जगह हम एक कटोरी उल्टी करके पानी में रख दें और फिर एक प्लेट रख दें और ये कटोरी उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। अब ऊपर से प्लेट से कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने देंगे और बीच में एक बार चेक करेंगे। अगर हमारा कढ़ाई का पानी ख़त्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल भी सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर नाश्ते को स्टीम होते हुए 20 मिनट हो चुकी हैं। 15 मिनट बाद मैंने एक बार चेक किया है, देखिए कितना बढ़िया फूला फूला सा हमारा नाश्ता दिख रहा है। अब एक टूथपिक इंसर्ट करके देखते हैं, अगर हमारी टूथपिक क्लीन आएगी तो हमारा नाश्ता बन चुका है। हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे। जब ये नाश्ता पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी हमें ये डीमोल्ड करना है। अब एक चाकू की हेल्प से चारों कटोरी को मैं इसी तरह से किनारों से अलग कर लूँगी, देखिए इस तरह से। अब एक कटोरी उठाएंगे, प्लेट पर रखेंगे और हाथ से टैप करेंगे, देखिए कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बन चुका है और ये इजीली डीमोल्ड भी हो रहा है। हमें नाश्ता बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही डीमोल्ड करना है, गरम डीमोल्ड नहीं करना। हम अगर चाहें तो इस पर ऊपर से थोड़ा सा तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन इतनी मुझे कुछ आवश्यकता सी लग नहीं रही क्योंकि इसमें तीखी सी स्टफिंग है और जो हमारा सूजी का बैटर है वो भी तड़के वाला है। नाश्ते का एक पीस मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया हमारा ये जालीदार स्पॉन्जी और बढ़िया सी स्टफिंग के साथ नाश्ता बन चुका है। देखिए बिल्कुल रुई जैसा स्पॉन्ज आ रहा है। एक पीस काट के भी देख लेते हैं नाश्ता कैसा बना है। लग रहा है ना बिल्कुल अलग सा बढ़िया नाश्ता। फ्रेंड्स, यूनिक से नाश्ते की वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि नाश्ता आपको कैसा लगा। मोर टेस्टी फूड को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।